प्रेम राज ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग निकलेंगे पटना के लिए अपने भाई साहब के साथ, पीछे बैठे हुए लैपटॉप लेकर के। देख पा रहे होंगे लैपटॉप जो पीछे पड़ी हुई है, उसमें कुछ अपग्रेड कराना है, हार्ड डिस्क वगैरह रैम वगैरह डालवाना है। तो ये लैपटॉप अपग्रेड होगा, अपग्रेड इसका रैम और हार्ड डिस्क हम अपग्रेड करने वाले हैं, और काफी लाइट वेटर लैपटॉप है जैसा की आप देख पा रहे हैं। और टुक टुक कुछ बोलना चाहोगी? पटना जाके अपग्रेड करने वाले हैं, और चलिए फिर आगे हम मिलते हैं पटना में। टुक टुक बोलेगी कुछ दोस्तों से, क्या बोलना है बोलो? और क्या बोलना है? लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, गुड। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एसपी ब्रावो रोड, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, प्रेम राज ब्लॉग्स में। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम लोग का जो लैपटॉप का काम हो जाएगा, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम लोग आपको लेकर के चलेंगे साइंस सेंटर, पटना गांधी मैदान के पास में जो है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और चलिए चलते हैं साइंस सेंटर भी घुमाएंगे आपको आज, और लैपटॉप का काम करा लेते हैं उसके बाद। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप को लेकर के लैपटॉप शॉप पे, और काम अभी हो रहा है। एक हार्ड डिस्क लगाना है इसके अंदर, दो हार्ड डिस्क अभी इसके अंदर हम लोग लगवा चुके हैं, और देखते हैं अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया जा सकता है। रैम भी करना है ना, रैम अपडेटेड। लीजिए बात करते हैं भैया से, क्या क्या इसके अंदर काम हुआ है। इसके अंदर वही रैम अपग्रेड हो गया, और दो एक्सटर्नल NVMe हार्ड डिस्क ले रहे हैं, जो कि वो भी सैमसंग का, सैमसंग 970 EVO प्लस। एक बैकअप के लिए होगा और एक वर्क के लिए होगा, और बाकी सब सही जा रहा है। और ये भैया के दुकान का नाम है मुस्कान एजेंसी, जो बैठे हुए हैं सामने, बहुत ही मस्त आदमी है, मजा आ गया इनसे मिल करके। देखिए अब स्माइल कितनी है। तो बने रही हमारे साथ ब्लॉग पे, और जो भी सामान आपको परचेज करना है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर बनवाना हो, तो भैया के दुकान पे आए। हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, जो भी मेरा एसेसरीज वगैरह लेना होता है इन्हीं के पास आकर के हम परचेज करते हैं, लैपटॉप से जुड़ा हुआ। और कैमरा उमरा का जो सामान है वो भी हम कभी लेकर चलेंगे वहाँ पे, आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, प्रेम राज ब्लॉग। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम लोग वहाँ लैपटॉप का काम कराने के बाद बगल में साइंस सेंटर, तो सोचे यहाँ भी चल के घूम लिया जाए। चलिए आपको ले करके चलते हैं अंदर। यहाँ से अभी टिकट लिए हम लोग, जिसका प्राइस पर हेड 35 रुपीज़ हम लोग को पे करना पड़ा। चलिए लेकर चलते हैं अंदर साइंस सेंटर के, और दिखाते हैं आपको अंदर में क्या क्या है यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए चलते हैं फिर अंदर की ओर। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह बाहर का व्यू है। यहाँ बाहर में यहाँ एक एरोप्लेन रखा गया है। इस विमान का नाम यहाँ लिखा हुआ है टाइगर मॉथ, ऐतिहासिक वायुयान, 100 साल पुराना है ये, देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसको थोड़ा आगे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए 100 साल पुराना विमान यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक प्लेग्राउंड जो है, बच्चा लोग खेलता है यहाँ पे। इको साउंड का भी एक सिस्टम है यहाँ पे, पाइप लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए उसमें भी हम लोग चलेंगे, पहले लेकर चलते हैं आपको अंदर की ओर। बोलने पे चलता है, हेलो, ये बोलने पे चलता है, ताली मारने पे, क्लैपिंग करने पे चलेगा। कहाँ चल रहा है? और जोर से या जला है, थोड़ा सा जला है अभी। और देखिए यहाँ पे इसको क्लैपिंग करके जलाने की कोशिश की जा रही है, भाई साहब यहाँ जला रहे हैं। देखिए ये देखिए बढ़ रहा है अभी, क्लैपिंग के साथ ही ऊपर की ओर बढ़ रहा है। थोड़ा साउंड जोर से, हाँ जो थोड़ा जोर से क्लैपिंग करना हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद ही इसका जो है लाइट जल रहा है ऊपर की ओर। चलिए नहीं जला, आप लोग ट्राई करिए यहाँ पे आकर के, आप लोग से जल पाता है कि नहीं। लीजिए नीचे चला गया, चलिए आगे चलते देखते हैं और क्या है यहाँ पे।
ये क्या है? पेंडुलम संवेग का स्थानांतरण है। मोमेंटम, मोमेंटम साइंस का, घुमाने के बाद ये घूम रहा है। हेलो, चलिए फिर चलते अंदर की ओर। यह देखिए क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का। अरे तो टकरा गए हम। हम तो घूम गए। बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर अच्छा फील हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। मैं तो एक बार टकरा चुका हूँ, ये देखिए दूसरा बार टकरा गया। भाई साहब पता नहीं किधर चले गए, किधर गए? दो बार लड़ चुका हूँ लेकिन ये आगे आगे चल रहे हैं, एक बार भी लड़े नहीं है। पता है यहाँ पे एक ट्रिक काम कर सकता है, पता है क्या? जमीन पे नीचे की ओर देख करके आप चलेंगे तो कभी नहीं लड़ेंगे, शीशे पे देख के चलेंगे लड़ जाएंगे। बाहर निकल गए अभी हम लोग, देखिए चलते 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 यहाँ से बाहर की ओर आ गए। बहुत ही अच्छा लगा भूल भुलैया का एक्सपीरियंस। आइए यहाँ पे पता नहीं क्या है, शूट तो हो नहीं रहा इसमें, क्रैक शॉट कुछ तो होगा, कुछ होगा, हो नहीं रहा ना। ऊपर से जब देखते हैं तो फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है। कैसा फील हो रहा है? अरे वाह, ये तो बड़ा मेरा भी ले लो थोड़ा सा इस टाइप की। लेंस का बहुत ही बढ़िया उपयोग किया गया है यहाँ पे, मिरर लगा करके आप लोग देख पा रहे होंगे व्यू कितना सुंदर है। वक्रकार सुरंग आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ, साइंस का उपयोग कर दिया गया है ना, साइंस का पूरा उपयोग किया गया है। ये बटन दबाओ, ये देखिए बटन जब मैंने प्रेस किया तो ये लेफ्ट और राइट हो रहा है, मतलब वक्रकार आकार बन रहा है। ये देखिए क्या सुंदर है, सुंदर है ना, मजा आ रहा है। चलिए इधर देखते हैं और क्या है। हेलो
यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए क्लैपिंग करके और ज्यादा इसका लाइट मजा आ रहा है। बहुत ही मजेदार पेड़ है, क्लैपिंग करने के बाद ही जलता है। शंकु ऊपर की ओर चलता है, साइंस सेंटर में ही तो दिखाया गया है। ये देखिए इसको नीचे लाके और उसके बाद छोड़ देना है, यहाँ पे ऊपर की ओर चला जाएगा। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मात दे रहा है कि नहीं। देखिए इसका लॉजिक भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बचपन में हम लोग खेला करते थे, ये छोटा सा मटर के दाने के जैसा, उसको फूकने के बाद उसके ऊपर आता था, या बड़ा आकार में आप लोग देख पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है खेलने में? देखिए अभी खेल रहा है, देखिए उड़ रहा है। इसके अंदर ला के यहाँ पे और इसको इस पे पास करना है, फिर इधर लाना है। फिर इसके बाद इतना तेज मार देगा तो छूट जाएगा धीरे धीरे। धीरे 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 चलो, ये वाला घूमेगा भी, ये वाला घूमेगा भी। इसका स्टीयरिंग घुमाओ ना इधर। चलो नहीं अब खेलो। भाई साहब ने पूरा कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया इनसे, मैं तो थोड़ा सा कर भी लिया था। ये देखिए क्या है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा गेंद है ये, एनर्जी बॉल है। कहाँ इसका एनर्जी बॉल, कहाँ है इसका? देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था साइंस सेंटर का नीचे का ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया। अब यहाँ से सीढ़ी के सहारे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर में क्या क्या है। मैं पहले तो कभी आया नहीं हूँ। सीढ़ी से चलते हैं ना, लिफ्ट से चलना है क्या? सीढ़ी से चलते हैं। टच कर ही जाता है, ट्राई करके देखो एक बार क्या होता है। देखिए ये लगे हुए हैं, भाई साहब लगे हुए हैं इसमें। टच ना करे, टच ना करे, टच ना करे। ये किया टच, किया टच, किया टच, अभी तक तो नहीं किया, बचे हुए हैं। क्या लग रहा है बाइक चला के, मजा आ रहा है? कब कितना स्कोर बनाए हो? दो। दो स्कोर। कहाँ से आए हो? पटना।
ग्लासेस लगे हुए आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें आपकी आकृति चेंज हो जाती है, मिरर रही है। देखिए देख कर लिखा हुआ देखे और हंसे। अरे भाई साहब कहाँ घुस गए, चलो देखते हैं ये कहाँ चले गए। अच्छा ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर हैं। ये कितने डेप्थ में कौन कौन सा जीव होता है? अच्छा गहराई में यहाँ पे दिखा रहा है लाइफ ऑफ डेथ डेप्थ, समुद्र की गहराई में कितने नीचे जाने पे कौन से जानवर यहाँ पे मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है इसको घुमाने के बाद। अभी 1456 मीटर लास्ट 8177 मीटर मरियाना ट्रेंच। हाँ अच्छा लग रहा है जी। और कुछ नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहले? जी वो प्रोजेक्टर, फिर वो वहाँ भी एक प्रोजेक्टर लगा दो पहले तो ये था नहीं, ये हम 4 साल बाद आए, 4 साल पहले ये सब नहीं था, ऊपर में शायद इतना मैनेजमेंट नहीं था, वो लोगों में था लेकिन वो नहीं आया। चलिए आप लोग दोस्तों आइए देखिए, बताए भाई साहब कि बहुत अच्छा है और पहले से कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ भी गया है, पहले इतना ज़्यादा था नहीं। ये तो जनाब लगे हुए अपने काम में ही, मिलने का नाम ही जाना, सबसे नीचे इंटरनेट पे भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे जाने का मजा ही कुछ और है। 8177 मीटर, 8877 मीटर, 8177 मीटर नीचे। हेलमेट नीचे समुद्र वाटर है। बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है, आप अटक नहीं आएंगे इसके अंदर, चलिए निकलिए। देखिए हमारे चार्ल्स डार्विन जो पढ़ते हैं हम लोग बुक में, ये हमारी पृथ्वी किस आकार में इसका सेप है, नीचे में परत है इसका, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते थे बायोलॉजी में डीएनए, यहाँ एक डीएनए का स्वरूप बनाया गया है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप लोग हम लोग देख पा रहे अभी गांव के परिवेश को मछली मारते हुए। देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैं अभी साइंस सेंटर से निकल चुका हूँ बाहर, तो बताइए हमें कमेंट करके आपको कैसा लगा, मैंने आपको पूरा साइंस सेंटर घुमाया, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड है। तो चलिए फिर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में।